हेलो फ्रेंड्स, मैं दर्शी भवसार, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी फर्सी पूरी। ये दिवाली के टाइम पे हम बनाते हैं और इसे आप नॉर्मल दिनों में भी टी टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलो बनाते हैं क्रिस्पी मज़ेदार दिवाली स्पेशल रेसिपी फर्सी पूरी। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं, अगर अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन अवश्य दबाइए। अगर आप मेरी रेसिपी फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज इसे यूट्यूब पे जाके देखिए और वहां पे जाके लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिए। तो चलो बनाते हैं दिवाली स्पेशल फर्सी पूरी। ये रेसिपी आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत जगह पर अच्छी अच्छी टिप्स भी दी है और कुछ वेरिएशन भी किया है। तो चलो देखते हैं फर्सी पूरी। सबसे पहले हम फर्सी पूरी का आटा गूंथ लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है, 1/4 कप सूजी। सूजी से हमारी फर्सी पूरी क्रिस्पी बनेगी। आप चाहो तो यहाँ मैदा की जगह व्हीट फ्लोर भी ले सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, रोस्टेड जीरा पाउडर, हो सके तो जीरा जब हमें पूरी बनानी है उसी टाइम रोस्ट करके आप क्रश कीजिए, ब्लैक पेपर पाउडर। इसमें हम मोन 2 प्रकार का लेंगे। ये मैंने 2 स्पून घी का मोन डाला है और मैं यहाँ पे 2 स्पून ऑयल का भी मोन डाल रही हूँ। इससे पूरी का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका आटा गूंद लेंगे। आटा हमें ज़्यादा कड़क नहीं रखना है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना है। नॉर्मल जो पूरी बनाते हैं हम, ऐसा आटा बनाना है। हमने यहाँ पे सूजी डाली है तो थोड़ी देर बाद सूजी पानी सोख लेगी, तो जब हम नॉर्मल आटा गूंदेंगे तो वो 10 मिनट के बाद जब पानी सोख हो जाएगा सूजी से, तब वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। इसलिए पहले से हमें एकदम कड़क डो नहीं बनाना है। इतना आटा गूंदने में मुझे 1/4 कप से भी थोड़ा कम पानी लगा है। आप देख सकते हैं आटा थोड़ा अभी सॉफ्ट है। ये जब सूजी फूल जाएगी तो थोड़ा मेरा डो कड़क हो जाएगा। इसको मैं ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दूंगी। 15 मिनट हो गए हैं। आटा एक बार फिर से थोड़ा गूंद लेते हैं मसल के। हमारा आटा रेडी है। आप देख सकते हैं जितना पहले सॉफ्ट था उतना अभी सॉफ्ट नहीं है। हम अच्छे से पूरियां बेल सकते हैं, उतना सॉफ्ट है। अभी इसमें से एक बड़ा लोया ले लेते हैं। उसका पेड़ा बना के इसकी हम रोटी बेल लेंगे बड़ी सी। ये बड़ी वाली पूरी बेलेंगे हम, छोटी छोटी पूरियां नहीं बेलेंगे। ये बड़ा सा रोटी जैसा बना लिया है मैंने। अभी हम एक ढक्कन ले लेंगे, इससे कट कर लेंगे सारी हमारी छोटी छोटी पूरियां। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये जल्दी से बेल सकेंगे हम, और दूसरा सारी पूरियां एक समान बनेगी, उनकी किनारे भी बहुत बढ़िया लगेगी और पूरी
पूरियां हमारी देखने में भी अट्रैक्टिव लगेगी। अभी हम पूरियों पर बीच में ऐसे नाइफ से कट लगा लेंगे। आप चाहो तो फोक से प्रिक भी कर सकते हैं, मगर ये कट बहुत बढ़िया लुक देता है पूरियों में और इससे हमारी पूरियां फूलेगी भी नहीं। बाकी का जो आटा है वो हम निकाल के दूसरे पेड़े में यूज कर लेंगे। साइड से सारा आटा निकाल लिया है, पूरियां रेडी है। इसको हम एक पेपर पे ऐसे रख देंगे और इसको थोड़ा ऊपरी परत सूख जाए तब तक रखेंगे। पेपर एक बात का ध्यान रखना है, ऐसा प्लेन लेना है। न्यूज़पेपर में हमें कभी भी ये पूरियां नहीं रखनी है क्योंकि वो हेल्थ वाइज अच्छा नहीं होता है। न्यूज़पेपर का जो इंक होता है वो इंक में केमिकल होता है, वो हमारे हेल्थ को हार्म भी कर सकता है। इसी तरह हम हमारी सारी पूरियां बेलकर कट कर लेते हैं और इसे सूखने देते हैं थोड़ी देर के लिए। हमने सारी पूरियां बेल ली है, अभी तेल भी गर्म हो गया है तो पूरियां हम फ्राई कर लेंगे। तेल ज्यादा गर्म नहीं करना है और पूरियां भी हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करनी है ताकि वो अच्छी सी क्रिस्प बन सके। पलट पलट के हम हमारी सारी पूरियां अच्छी सी गोल्डन कलर की फ्राई कर लेंगे। ज्यादा ब्राउन नहीं होने देनी है। हमारी पूरियां फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने पूरियां ज्यादा पतली नहीं बेली है और ज्यादा मोटी भी नहीं है, मीडियम थिक ही है। जब पूरियां फ्राई हो जाए तब हर एक बैच पे ऊपर से हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और इसी प्रकार हम हमारी सारी पूरियां फ्राई कर लेंगे। मगर फ्राई करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पूरियों की ऊपर की परत थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए। हमने हमारी सारी पूरियां फ्राई कर ली है तो बनके रेडी है हमारी फर्सी पूरी। दिवाली के नाश्ते में भी आप बना सकते हैं और ऐसे भी टी टाइम में एंजॉय कर सकते हैं। लाइक और कमेंट्स करना मत भूलेगा और मेरी रेसिपी अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।